कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, हिंदू स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग तथा सेविका समिति के शिक्षा वर्ग के दोनों माननीय सर्वाधिकारी, आदरणीय प्रांत संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण एवं आत्मीय शिक्षार्थी बंधु, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आपके सामने ये जो दृश्य उपस्थित हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी पांचों उपमहाद्वीपों से हिंदू समाज की वर्तमान पीढ़ी जो सक्रिय है और नई पीढ़ी, उन दोनों के प्रतिनिधि रूप में शिक्षार्थी बंधु और भगिनी, सेवक और सेविकाएं यहां पर संघ का प्रशिक्षण ले रही है। सांघिक गीत में वर्णन हुआ उसका, देश देश में हर समाज, विश्व धर्म को लेकर संघ मंत्र का स्वर्ग। कई कारणों से ये दृश्य रोचक लगता है। देखने लायक लगता है। कोई विशिष्ट बात इसमें लगती है। एक छोटा सा संघ आज उसका एक विश्वव्यापी स्वरूप है, इसलिए भी लगता है। अथवा विदेशों में पलने बढ़े हुए लोग फिर से अपनी परंपरा की कोई सीख ले रहे हैं, ये भी एक बात देखने लायक लगती है। परंतु हमको ये समझना चाहिए कि ये सारी बातें बिल्कुल स्वाभाविक है। डॉक्टर गुप्ता ने हमको बताया, डायस्पोरा दो जगह स्फुरित होता है। मुझे स्मरण आया, एक रवि महाराज थे, शायद कैरिबियंस में थे, और कैरिबियंस के हिंदू तरुणों का, तरुणियों का वो एकत्रीकरण साल में एक बार करते थे। अच्छी खासी उसकी तैयारी होती थी। हर वर्ष के एकत्रीकरण के लिए एक गीत दिया जाता था, सब लोग वो गीत याद करते थे और उसको बोलते थे। गीत अर्थात अंग्रेजी में होता था, क्योंकि कैरिबियंस में जो अपने बंधु गए हैं उन्होंने अपनी हिंदू पहचान को कायम रखा है, लेकिन भाषा भूल गए हैं। तो एक वर्ष के उनके गीत की जानकारी मुझे मिली। उस गीत में यह कहा गया था कि कैरिबियंस में रहने वाले हे हिंदू भाइयों बहनों, इसका दुख मत करो कि तुम अपनी पुण्य भूमि से, धर्म भूमि से, अपने मूल भूमि से इतने वर्षों से बिछड़े हो, पीढ़ियों से बिछड़े हो, इसका शोक मत करो, क्योंकि भगवान ने कुछ प्रयोजन है इसके लिए ये किया है, उसकी इच्छा से ये हुआ है। शायद भगवान ये चाहते हैं कि आपकी अच्छाई जो एक जगह संग्रहित हुई है, इसलिए आपके भाग्य में ये जो अपने स्वभूमि से निर्वसन और दूसरे भूमि में, स्वभूमि से दूर, उसका दर्शन तक नहीं होता, उसकी भाषा तक हम भूल गए, ऐसे स्थिति में भी उसकी पुरानी स्मृतियां पीढ़ी दर पीढ़ी जतन करते हुए आप जो रह रहे हैं, उसका प्रयोजन है कि वहां से मिली अच्छाई को आपको सारी दुनिया को देना है। हमारे देश के लिए ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। हमारे देश के अस्तित्व का ये प्रयोजन है।
योगी अरविंद का प्रसिद्ध भाषण है उत्तर पारा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का उत्थान हो ये भगवान की इच्छा है। अलीपुर जेल में साक्षात वासुदेव ने मुझे ये बताया है। उस दिन उनके भाषण का विषय कुछ और था, लेकिन वहां जाकर उन्होंने कहा कि उस विषय पर मैं नहीं बोलने वाला, एक संदेश आपको पहुंचाने का आदेश मुझे मिला है वही मैं दे रहा हूं। और उन्होंने कहा कि साक्षात भगवान वासुदेव ने मुझे बताया है कि सनातन धर्म का उत्थान होना चाहिए, ये भगवान की इच्छा है, और सनातन धर्म के उत्थान की पूर्व शर्त है हिंदू राष्ट्र का, हिंदुस्तान का उत्थान। उन्होंने उस समय कल्पना की थी, उनको नहीं पता संघ निकलने वाला है, संघ की शाखाएं और देश विदेश में जाएगी, वहां हिंदू स्वयंसेवक संघ तैयार होगा, उसके वर्ग होंगे, ये उनको पता नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने बताया भारतवर्ष को क्यों उठना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दुनिया के लिए जीना है भारत, भारत के जीवन का प्रयोजन विश्व को धर्म देना, ये है, ये अपना राष्ट्र, प्राचीन राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ तो वेदों की ऋचा वर्णन करती है, ओम भद्रम इच्छंत ऋषय स्वर विधा तपो दीक्षा मुपसे दुरद्रे दुरक्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। विश्व के कल्याण की इच्छा रखने वाले स्वर्विद ऋषियों ने दुर्धर तप किया, उसमें से अपने राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई। किस लिए? हमारा धर्म प्राण राष्ट्र है, सबको जोड़ने वाले सत्य को हमने पाया, हमने इसलिए पाया कि हम खोजते चले गए, बाकी दुनिया बाहर सुख की खोज करते करते थक गई और बाहर जितना मिला उस पर समाधान करके रुक गई। हमारे भी जो प्राचीन उपनिषद है सबसे, उसमें बाहर की खोज ही मिलती है, सत्य कहां मिलेगा, अग्नि में मिलेगा क्या, वायु में मिलेगा क्या, पंच महाभूतों में सत्य खोज रहे पूरा नहीं मिलता। और इसलिए कभी किसी ऋषि को लगा कि हमको अब बाहर का हमने खोज लिया, अब अंदर खोजना चाहिए। उस दिन अध्यात्म शास्त्र का जन्म हुआ और इस अध्यात्म शास्त्र के आधार पर हमने अस्तित्व की एकता को खोज लिया। सब प्रकार की जड़ चेतन वस्तुओं से भरी विविधता दिखाने वाली ये दुनिया एकता का ही आविष्कार है, इसलिए सब जुड़े हैं, सब संबंधित है, इसलिए सबको मिलकर चलना है। सुख बाहर नहीं मिलेगा, सबकी एकता के उस मूल को पाने में शाश्वत कभी फीके न पड़ने वाले सुख का लाभ होगा। और ये सत्य हमको मिलने के बाद हमारा जीवन बदल गया। जीवन में हमारे सुख सुविधा तो उस समय चरम पर थी, परंतु समाधान हमको प्राप्त हो। और तब हमने ये सोचा कि अगर सारा विश्व एक ही है तो ये सारी बातें सारे विश्व तक पहुंचाने का हमारा काम है। इसलिए ऋषि ने हमको आदेश दिया, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानव। सारे विश्वभर के मानव अपने अपने जीवन की शिक्षा हमसे पाए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। भारत का उत्थान इतिहास के उतार चढ़ावों में जब जब हुआ है तब तब इसी प्रयोजन के लिए हुआ है। और इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं लगता संघ स्थापना के 5 वर्ष पूर्व संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार नागपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन के व्यवस्था प्रमुख थे, अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे, तब प्रस्ताव दिए थे 2 विषय नियामक समिति के पास डॉक्टर साहब ने। पहला प्रस्ताव था गोवंश हत्या बंदी,
और दूसरा प्रस्ताव था कि कांग्रेस अपने ध्येय को घोषित करे कि भारत का संपूर्ण स्वातंत्र्य ये हमारा ध्येय है, और उसी में यह भी घोषित किया जाए कि स्वतंत्र भारत पूंजी के चंगुल से दुनिया के देशों की मुक्तता करेगा। डॉक्टर साहब के मन में उस समय भी जो विचार था उसका कैनवास इतना बड़ा था, भारत के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता और पूंजी के चंगुल से देशों की मुक्तता। पूंजी के चंगुल से यानी कैपिटलिज्म नहीं, वो कैपिटलिज्म कम्युनिज्म से ये बात परे है। पूंजी के चंगुल से यानी अर्थ कामों के बंधनों से आज सारी दुनिया उसी में फंसकर आपस में लड़ रही है, उसी में फंसकर प्रकृति का शोषण कर रही है। केवल अर्थ काम को चाहते हैं, केवल अर्थ काम को समझते हैं, इसलिए सब कुछ पास में होने के बाद भी, विज्ञान का इतना विकास होने के बाद भी, मानवों के बारे में ज्ञान का इतना विकास होने के बाद भी कलह कायम है। पर्यावरण का संकट दरवाजा खटखटा रहा है, दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी ऐसा भय उत्पन्न हो रहा है, युद्ध थमते नहीं, संकुचितता कट्टरता मिटती नहीं। उस दृष्टि को पूर्ण बनाने वाला, अर्थ काम को उसकी उचित जगह देकर मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाला, जोड़ने वाला तत्व, उसको धर्म कहते हैं। व्यक्ति और समाज को सृष्टि के साथ सामंजस्य से चलाते हुए परस्पर आदान प्रदान से सारे विश्व को, परमेष्ठी को और अग्रसर करने वाला तत्व, उसको आत्मा कहते हैं, वही परमात्मा है। शरीर मन बुद्धि का सामंजस्य साधकर मानव प्राणी का विकास मानवत्व से अतिमानवत्व, वहां से देवत्व की ओर कराने वाला वही तत्व है। वो जोड़ने वाला तत्व अपने आचरण में लाना और दुनिया को देना, थोपना नहीं। जीवन किस लिए जीना? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। इस जीवन का व्यक्तिगत और सामूहिक उदाहरण एक देश के नाते भारत का होना चाहिए, एक समाज के नाते संपूर्ण दुनिया के हिंदू समाज का होना चाहिए। इसके लिए भारत के किसी चिंतक को बहुत विचार नहीं करना पड़ता। भारतीय मूल में वो अगर पक्का है, हिंदू समाज की अपनी परंपरा का उद्गम उसको अगर पता है, तो उसके विचार में सहज ही ये बात आएगी जैसे डॉक्टर साहब के विचार में आई। और इस प्रकार का वर्ग पहली बार जब शुरू हुआ 1992 में बंगलोर में हुआ पहला वर्ग, उसके उद्घाटन में मैं उपस्थित था। वहां उस समय विश्व विभाग के जो संयोजक थे आदरणीय लक्ष्मण राव भिड़े जी, उनके उद्घाटन भाषण में यह बात मैंने सुनी कि इस तरुण पीढ़ी को अब संघ का काम और आगे ले जाना है। हिंदू संगठन का काम जो बाहर शुरू हुआ, भारत में चलने वाली शाखा कार्य पद्धति संपूर्ण विश्व में किसी भी समय किसी भी आयु वर्ग के लोगों में चल सकती है, यह सिद्ध हुआ। यह शाखा पद्धति मनुष्य को सदाचार प्रवृत्त बनाती है, यह भी सिद्ध हुआ। भिड़े जी कह रहे थे अब नई पीढ़ी का यह काम है कि इस पद्धति के आधार पर हिंदू समाज का आदर्श जीवन खड़ा करे, उसके उदाहरण स्वयं बने, ताकि प्रत्येक हिंदू व्यक्ति संघ की ओर आकर्षित हो। मैं संघ बनूं, संघ का स्वयंसेवक बनूं, ऐसा उसको लगे। और केवल स्वयंसेवक को नहीं, उन उन देशों के लोगों को भी लगे कि ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक बीज जब वृक्ष बनने की आकांक्षा से मिट्टी में मिलता है,
अपने आप को विसर्जित कर देता है। कोई बता नहीं सकता आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसमें से एक बड़ा वृक्ष तैयार होता है, उसका विस्तार होता है, एक वृक्ष से वृक्षों सा जंगल खड़ा होता है और वो सारे वृक्ष अपनी जड़ों से, मूल जड़ों से जुड़े रहकर एक बड़ा वृक्षों का संभार बन जाते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक होता है। छोटा सा बीज मिट्टी में मिल जाता है, लता पल्लव पुष्प फल बीज सहित एक बड़ा वृक्ष खड़ा होना, ये उसके उत्कटता का स्वाभाविक परिणाम है। वैसा ही ये स्वाभाविक परिणाम है। और ऐसे वहां के हिंदू स्वयंसेवक संघ को देखकर मैंने विदेशी व्यक्तियों के उद्गार सुने हैं कि हमारा भी एकादा ऐसा संघ होना चाहिए। और केवल उद्गार नहीं सुने हैं, किसी देश ने अपने लोगों को संघ की इस पद्धति का अनुकरण करते हुए अपने देश के जागरण के लिए उनके देश का ऐसा काम शुरू भी किया है। हिंदुस्तान है किस लिए? संपूर्ण दुनिया को आज इस धर्म की आवश्यकता है जो संतुलन देता है, जो सबके प्रति आत्मीयता देता है, जो स्वदेशो भुवन त्रयः वसुधैव कुटुंबकम ऐसी भावनाएं उत्पन्न करता है, जो समन्वय सिखाता है, जो भौतिक सुख के द्वारा दुखों पर मात करते हुए आध्यात्मिक प्रयासों के द्वारा इन सबसे ऊपर उठकर मुक्ति के द्वार खोलने का पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। ऐसा जीवन का उदाहरण संपूर्ण विश्व में प्रस्थापित कर रही है स्वयंसेवक, उसके लिए शिक्षित हो रहे। संघ का काम भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से इस भारतवर्ष को परम वैभव बनाएगा, संपन्न करेगा, और यह भारतवर्ष विश्वगुरु बनेगा। कैसे बनेगा? इस भारतवर्ष की संतानें जो भारतवर्ष में है और जो संपूर्ण दुनिया में आज उस देश के बहुत अच्छे रहिवासी या नागरिक बनकर उन देशों की भी सेवा कर रहे हैं, कहीं पर भी जो अनिवासी भारतीय है अथवा जो भारतीय वहां जाके वहां के नागरिक बने, उनके आचरण पर इतना सा भी दबा नहीं है। जहां जहां गए उस देश के वो एक एसेट बने, उन सारे लोगों के जीवन के माध्यम से उनके एक समाज के नाते, एक समूह के नाते, संगठित जीवन के माध्यम से संपूर्ण दुनिया अपने अपने संगठित जीवन का अपने पद्धति से आदर्श उत्पन्न करेगी, अपनी प्रकृति के आधार पर उसको सजाएगी, संभालेगी। ये थोपा नहीं जाएगा, ये देख के होगा, देख के जो अच्छा लगेगा दुनिया उसके पीछे जाएगी। और संपूर्ण विश्व में संपूर्ण मानवता को एक करने वाला एक वातावरण इसमें से खड़ा होगा। विश्व गुरु भारत के बिना बोले प्रत्यक्ष कृति से बताए उदाहरण का अनुकरण दुनिया करके एक नई सुखी सुंदर दुनिया का उदय होगा। ये सपना लेकर हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम उस देश में चलता है। सच स्वाभाविक हुआ है, पता नहीं था। जहाज पर जा रहे थे 1946 में, लगा कि हम संघ के स्वयंसेवक है, रोज प्रार्थना होनी चाहिए। एक संघ के स्वयंसेवक ने जहाज को अंदर चलाया था समुद्र के, लेकिन जिधर से आया था भारत की ओर मुंह करके नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि शुरू किया। दूसरा एक स्वयंसेवक पास में था, उसने सुना, वो भी जाके शामिल हो गया। जहाज के डेक पर पहली शाखा लगी। वहां से इन संस्कारों को लेकर ये जो हिंदू स्वयंसेवक संघ उस देश का अलग स्वतंत्र वहां का पंजीकृत संगठन काम करता है, वो केवल हिंदू समाज के लिए नहीं करता है। हिंदू समाज का संगठित स्वरूप, सामर्थ्य संपन्न स्वरूप, सर्वांग सुंदर स्वरूप दुनिया के देशों के समाजों को वैसा बनकर संपूर्ण विश्व के जीवन में योगदान करने वाला समाज, देश सारे कलह छोड़कर, संकुचित भेदभावना छोड़कर, लोभ और स्वार्थ छोड़कर, हवस छोड़कर,
पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, नई सुखी सुंदर दुनिया का सृजन करेंगे, ऐसी इच्छा संकल्प और पुरुषार्थ जगाने वाला ये काम है। वो काम कैसे चलता है, उसमें से क्या होता है, उसकी एक झलक के रूप में आपने इसको देखा है। आज आप इसके दर्शक बने हो, लेकिन दर्शक और दृश्य का ये अंतर समाप्त हो जाए और आगे चल के हम भी इसी दृश्य के अंग अपने अपने स्थान पर बने, इसी जीवन को जीने वाले हम भी बन जाए, ऐसा एक आवाहन, ऐसा एक अनुरोध आपके सामने मैं रखता हूं और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं।